कृष्ण भक्ति में रम गए हैं अल्फ्रेड फोर्ड। कार कंपनी फोर्ड के मालिक हैं अल्फ्रेड। भक्ति में लीन होकर नाम तक बदल डाला। कृष्ण प्रेम में किए ऐसे काम जो आप भी सोच नहीं सकते। आधुनिक कार के जनक हेनरी फोर्ड का नाम दुनिया भर में मशहूर है। विश्व की सबसे महंगी कारों में शामिल फोर्ड कंपनी के मालिक अल्फ्रेड फोर्ड आज कृष्ण भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं। आपको बता दें कि अल्फ्रेड इस तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुके हैं कि उन्होंने अपना नाम तक बदल डाला। भारत में लोग उन्हें अल्फ्रेड से नहीं बल्कि अम्बरीश प्रभु के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच सोचने वाली बात ये है कि आखिर अल्फ्रेड को श्री कृष्ण से जुड़ने का ख्याल कैसे आया और क्यों वे अल्फ्रेड से अम्बरीश बने। बता दें कि अल्फ्रेड ने साल 1975 में हिंदू धर्म अपनाया था और इस्कॉन यानी द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट के साथ बतौर चेयरमैन जुड़े हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 1975 में अल्फ्रेड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से मिले थे। उनसे मिलकर वे इतना प्रभावित हुए उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। यही नहीं, अल्फ्रेड ने दुनिया के सबसे ऊंचे गुंबद वाले कृष्ण मंदिर को बनाने का प्रण भी लिया, जिसका निर्माण 2010 से शुरू हुआ था और अब 2020 में मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसका नाम चंद्रोदय मंदिर रखा गया है। आपको बता दें कि ये मंदिर पश्चिम बंगाल के मायापुर में बना है। बताते चले कि मायापुर चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है, इसीलिए अपने सपनों का मंदिर बनाने के लिए फोर्ड ने ये जगह चुनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्फ्रेड दुनिया के किसी भी कोने में हो, घर हो या दफ्तर, उनके हाथों में हमेशा एक छोटी सी पोटली होती है जिससे वे कृष्ण के नाम का जाप करते रहते हैं। बता दें कि अल्फ्रेड फोर्ड की पत्नी शर्मिला भी एक भारतीय हैं और उनकी बेटी की शादी भी एक भारतीय से हुई है। विश्व के सबसे अमीर घरानों में शामिल होने के बाद भी आध्यात्मिकता की ओर रुझान पर अल्फ्रेड कहते हैं कि मैंने जीवन लिया, तमाम भौतिक सुख संसाधनों में लिप्त था जब मैंने जन्म लिया। वहाँ भौतिक रूप से सब कुछ था, लेकिन मुझे लगता था कि भीतर से कुछ खाली है, बेहद खाली है। मैंने उस मिसिंग लिंक को पाने के लिए खोज शुरू की। मैंने कृष्ण के जरिए उसे खोज लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से अपने चार्टर्ड प्लेन से भारत आए। ये देश, ये राज्य बहुत सुंदर है। जानकारी के लिए बता दें कि अल्फ्रेड ने सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर बनाने के अलावा उन्होंने डेट्रॉइट में भगवद गीता कल्चरल सेंटर के लिए $500,000 दान भी दिए। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को में वैदिक कल्चरल सेंटर के लिए भी फोर्ड ने आर्थिक मदद की है। यही नहीं, हवाई के शहर होनोलुलु में हरे कृष्णा मंदिर और लर्निंग सेंटर के लिए भी $600,000 से एक महल खरीदा था। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट।